अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये है एंड्रॉयड बॉक्स के हवाले से। तो एंड्रॉयड बॉक्स को लेके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहा है और इस स्कैम का शिकार मैं भी हो चुका हूँ। और ये वीडियो इसी वजह से है कि आप लोग इस स्कैम का शिकार ना हो सकें, तो ये वीडियो आप लोग लाजमी एंड तक पूरी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि स्कैम मेरे साथ कैसे हुआ। तो कुछ दिन पहले मैंने एंड्रॉयड बॉक्स मार्केट से परचेज़ किया और बड़ी खुशी खुशी में घर ले आया, उसकी अनबॉक्सिंग भी की, उसकी वीडियो एडिट करके मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी कि आप लोगों को भी रिकमेंड किया जा सके वो एंड्रॉयड बॉक्स। लेकिन उस एंड्रॉयड बॉक्स को लेके मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा कि वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है वो एंड्रॉयड बॉक्स सुपर बॉक्स। सुपर बॉक्स के नाम से मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है और सेल होने की कोई ख़ास वजह तो है नहीं, बस कस्टमर को अंधेरे में रख के यही सेल किया जा रहा है। जब आप ये एंड्रॉयड बॉक्स मार्केट से परचेस करने जाएंगे तो शॉपकीपर आपको ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड करेंगे कि आप ये परचेस कर लें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये है वो है। आप लोगों ने ये प्रोडक्ट, ये एंड्रॉयड बॉक्स आप लोगों ने परचेस बिल्कुल भी नहीं करना है। उसकी मैं वजह मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बॉक्स पर लिखा है 8 GB रैम, 128 GB ROM। तो आप समझ सकते हैं 8 GB रैम का क्या मतलब हो सकता है और 128 GB ROM कितनी होती है। आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके अंदर जो एक्चुअल हार्डवेयर है, इसके अंदर 1 GB रैम और 4 GB इसकी मेमोरी है जो कि एक्चुअल है। वो मुझे कैसे पता चला, मैं जब इसको यूज़ करने लगा और इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा था। और बात करते हैं इसके रिजोल्यूशन की, रिजोल्यूशन वाइज भी बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी अच्छा। मतलब एक होती है ना, खुशी आ रही होती है, बहुत अच्छी फील आ रही थी। लेकिन जब मज़ा ख़राब कहाँ हुआ, मज़ा ख़राब वहाँ हुआ कि जब मैंने इसमें 1.5 GB की एक मूवी डाउनलोड की, तभी ये इसकी मेमोरी फुल हो गई। तो वहाँ से ना एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। और प्रॉब्लम ये थी कि इसमें एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी नहीं है। चलो यार, अब हम ले आए, चलो किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, मैंने ये सोचा। लेकिन इसमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोस्तों, जब मैं वापस शॉपकीपर के पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई, आप प्रोडक्ट चेंज करके हम आपको रिटर्न, मतलब एक्सचेंज करके दूसरा एंड्रॉयड बॉक्स दे देंगे। तो मैंने जो उनको कहा कि भाई, आप है ना, मेरे पैसे रिटर्न कर दें। तो उनका बिहेवियर देखने वाला था। पहली दफ़ा प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ना, तो उनका जो बिहेवियर होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है, मीठा, बहुत ही अच्छा, एक अच्छी फीलिंग आती है कि यार, ये हमदर्द बंदा है। तो लेकिन जब आप सेकेंड टाइम जाते हैं ना प्रोडक्ट रिप्लेस करने या एक्सचेंज करने, तो उनका बिहेवियर देखने वाला होता है। तो खैर, हमने उनसे बात की कि भाई, हमारे पैसे रिटर्न कर दें। उन्होंने नहीं किए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम 35% कट करके आपको बाकी रकम जो है हम आपको दे देंगे। हमने बोला नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा आप कट कर रहे हैं। शॉपकीपर को ऐसे बोला कि भाई, आप है ना 500 रुपये कट कर लें और बाकी जो रकम बनती है वो हमें वापसी दे दें। तो उन्होंने बोला नहीं, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारी पॉलिसी 35% कट करके देंगे। तो उनको कहा कि भाई, आप तो किसी को भी दोबारा उतने पैसों का भेज देंगे। तो वो शॉपकीपर का आप कॉन्फिडेंस चेक करें, उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो मैं 10,000 का भी भेज दूंगा। तो वही मार्केट में चल रहा है 7-8-9 हज़ार, इस तरीके का ये एंड्रॉयड बॉक्स चल रहा है। बॉक्स के ऊपर 8 GB रैम प्लस 128 GB ROM, ये सिर्फ प्रिंट होने की वजह से ये 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपये तक का भी चल रहा है। उन्होंने ये दिया था ना, वो हमें दिया था 5,500 रुपये का, जो कि मेरे हिसाब से ये प्राइस भी इसकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम भी बेजबाजी करने के बाद उन्होंने 5,500 रुपये में से 1,000 रुपये काट के 4,500 रुपये हमें वापसी की। हमने बोला चलो खैर है, 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का लॉस तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 5.5 का नहीं कर सकते। हमने वो पैसे रिटर्न लिए और हम घर आ गए। और तो घर आते आते शॉपकीपर हमसे कहता है कि ना, आप है ना ये आगे भी रिकमेंड कर दिए। तो मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो दोस्तों, मेरी तरफ से ये जो सुपर एंड्रॉयड बॉक्स है ना, ये मेरी तरफ से बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड है। तो आप लोग ये एंड्रॉयड बॉक्स बिल्कुल मत परचेस करिएगा। और आप ये वीडियो लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों के पैसे बचाए जा सकें। और दोस्तों, आप जब कभी ये चाइना एंड्रॉयड बॉक्स परचेस करें, तो उसमें लाजमी CPU-Z के नाम से एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद है, वो इंस्टॉल करके आप लाजमी इसकी एक्चुअल जो स्पेसिफिकेशन है वो आप लाजमी चेक कर लें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।